नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। बड़ी खबर इस वक्त की मंगलौर से आ रही है, जहां पर आपको बताते चले कि चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर मोहाली के शॉपिंग मॉल में चली है गोलियां, जहां पर फायरिंग में गैंगस्टर राजेश डोंगर की हत्या कर दी गई। एसीपी मॉल में हुई गोलीबारी, और साथ ही आपको बता दें कि फायरिंग करने वाले शख्स की पहचान लगातार जारी है। बड़ी खबर इस वक्त की, फायरिंग करने वाले शख्स की पहचान लगातार जारी है। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, मोहाली के शॉपिंग मॉल में गोलियां चली हैं, फायरिंग में गैंगस्टर राजेश डोंगर की हत्या कर दी गई है। सीपी 67 मॉल में ये गोलीबारी हुई है। आपको बता दें कि सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची है और लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, मोहाली के शॉपिंग मॉल में गोली चली, फायरिंग में गैंगस्टर की हत्या कर दी गई। साथ ही आपको बताते चले कि ये पूरी घटना एक मॉल की है, जहां पर सूचना के बाद मौके पर पुलिस भी पहुंची, फायरिंग करने वाले शख्स की पहचान लगातार जारी है। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, तस्वीरें उसी मॉल की हैं जहां पर गोलीबारी की घटना हुई है। आप तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची है और पूरे मामले की छानबीन भी लगातार जारी है। फायरिंग करने वाले शख्स की पहचान भी की जा रही है। आपको बता दें कि ये वही मॉल है जहां पर गैंगस्टर की हत्या का मामला सामने आया है, जहां पर फायरिंग करने वाले शख्स की पहचान भी लगातार की जा रही है। आपको बताते चले कि चंडीगढ़ से बड़ी खबर है इस वक्त की, जहां पर फायरिंग करने वाले शख्स की पहचान लगातार जारी है। पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी है और यहां पर जांच पड़ताल भी की जा रही है। हालांकि जब ये घटना हुई तब मॉल में काफी लोग भी मौजूद थे। सूचना के बाद मौके पर पुलिस भी पहुंच गई है। हालांकि अब मॉल को खाली भी करा दिया गया है और साथ ही पुलिस भी मौके पर पहुंची है और पूछताछ भी लगातार जारी है कि आखिर फायरिंग करने वाले शख्स का पता लगाया जा सके। आपको बताते चलें कि पूरा मामला चंडीगढ़ से है, जहां पर चंडीगढ़ के एक मॉल में गोलीबारी की घटना सामने आई है। सूचना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और साथ ही फायरिंग करने वाले शख्स की पहचान भी की जा रही है। पूरा मामला चंडीगढ़ से है, जहां पर फायरिंग का मामला सामने आया। दरअसल मॉल में गोलीबारी की गई, सूचना के बाद मौके पर पुलिस भी पहुंची है और पूरे मामले की जांच भी शुरू कर दी गई है कि आखिर फायरिंग करने वाला शख्स कौन था, और लगातार पूछताछ भी की जा रही ताकि आरोपियों तक पहुंचा जा सके। हलका विधायक एडवोकेट लखबीर सिंह राय ने गांव के विकास कार्यों के लिए अलग अलग गांव को विकास कार्यों के लिए चेक बांटे, और साथ ही आपको बता दें कि ब्लॉक सरहिंद अधीन आने वाले गांव को 33.50 लाख रुपए की ग्रांट भी जारी की गई है। विधायक लखबीर सिंह राय ने भी कहा कि पंजाब सरकार की तरफ से गांव के विकास के लिए सारी क्रांति दी जा रही है और ढेर सारी ग्रांट भी दी जा रही है। पंजाब के महान योग्य सीएम भगवंत मान की भी सोच के तहत विकास कार्यों को अंजाम दिया जा रहा, ताकि जो राज्य को द्वारा रंगला पंजाब बनाया जा सके, ताकि गांव को भी शहर जैसी सुविधाएं मुहैया करवाई जा सके। तो महानयोग मुख्यमंत्री सरदार को असी मान साहब की रहनमई है, अज असी ब्लाक सरन के बख बख पिंड 43,50,000 के जेडे चेक तकसीम किए ने। यह सारे जो पंचायत ने वो चाहे धौंदा ला लो, उदर्शी कलां लाओ, और बहुत सारिया पिंड जो बालपुर सी जेडे बख बख पिंड जिमें सोलर लाइटा का, चाहे
मड़िया ने किसी पिंड का वक् वक् डिवेलपमेंट के जोड़े स्कीम से वो तहत चैक दते हैं जो पिंड की डिमांड से और उन्होंने पता कि 10-15 दिन बाद असं ऑफिस के कोई ना कोई प्रोग्राम करके लोगों की सेवा करते रहने उन्होंने डिवेलपमेंट के चैक बनते रहने क्योंकि मानयोग मुख्यमंत्री सरदार भवन सिंह मान साहब का एक सपना है कि पंजाब में रंगला पंजाब बनाने के तहत ही ये जोड़ा डिवेलपमेंट के काम हो रहे हैं। खबर फिरोजपुर से है जहां पर पाकिस्तान के कसूर का रहने वाला एक व्यक्ति भारत की सीमा पर आ गया है। व्यक्ति का नाम लियाकत अली बताया जा रहा। बीएसएफ ने भी जांच के बाद में लियाकत अली को पाकिस्तान रेंजर्स को सौंप दिया है। आपको बताते चले कि खबर फिरोजपुर से है जहां पर जांच के बाद पाकिस्तान रेंजर्स को सौंपा गया है। बीएसएफ ने पाकिस्तान रेंजर्स को सौंप दिया है। खबर फिरोजपुर से जहां पर भारतीय सीमा में पाकिस्तानी व्यक्ति घुस गया था और जिसकी पहचान पाकिस्तान के रूप में हुई है, जहां पर पाकिस्तान का निवासी बताया जा रहा, जहां पर बीएसएफ ने पाकिस्तान रेंजर्स को व्यक्ति को सौंप दिया है और साथ ही भारतीय सीमा में पाकिस्तानी व्यक्ति घुस आया था। पंजाब पुलिस लगातार नशा तस्करों पर सिकंजा कस रही है। डीएसपी सिटी वन संजीव सिंगला ने भी बताया कि समय समय पर लोगों की सुरक्षा को देखते हुए ऑपरेशन के तहत शहर के अलग अलग इलाकों में बस स्टैंड और साथ ही रेलवे स्टेशन की चेकिंग की जाती है, जिसके अच्छे परिणाम भी मिले हैं। इस ऑपरेशन का मकसद लोगों में सुरक्षा की भावना पैदा करना है। पंजाब पुलिस नशा तस्करों के खिलाफ लगातार सख्त कदम भी उठा रही है। अज असी पटियाला पुलिस वालों सारे स्टेशनों के उपर डिस्ट्रिक्ट जिला पटियाला के सारे स्टेशनों के उपर कासो ऑपरेशन किया जा रहा। जो भी कोई शक्की व्यक्ति है, कोई शक्की व्यक्ति घूम रहे ने, कोई समान है, वो स्पैशल सर्च ऑपरेशन किया जा रहा, जिस विच मेरे नाल डीएसपी सिटी टू नाल एसएचओ नाल जीआरपी नाल रेलवे पुलिस सारे बटालियन सारे साढ़े नाल फोर्स लगी है। करीब 50 बंदे मेरे नाल इत्थे स्टाफ दे ने जो असी ये ऑपरेशन करना है। ਸਾਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੱਲਾ ਪਟਿਆਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਹੋਪਸ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡਰ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮੇ ਸੀਏਐਸਓ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੇ ਤਹਿਤ ਸਰਚ ਅਭਿਆਨ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤਵੋ ਕੋ ਪਕੜਾ ਜਾ ਸਕੇ ਔਰ ਇਸੀ ਕੇ ਤਹਿਤ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਔਰ ਬਸ ਸਟੈਂਡ ਪਰ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਕੇ ਸਾਥ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਵੀ ਲੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਆਪਕੋ ਬਤਾਤੇ ਚਲੇ ਕਿ ਸੀਏਐਸਓ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੇ ਤਹਿਤ ਸਰਚ ਅਭਿਆਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। अभियान में शरारती तत्वों पर लगाम लगाने के लिए लगातार तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। कासो ऑपरेशन चल रहा है, वैसे कासो ऑपरेशन सारे पंजाब चल रहा है। बेसिकली मोटिव कासो ऑपरेशन का भी जो शरारती अंसर ने कोई उन्होंने पुलिस का दबदबा बनया रहे, उन्होंने पुलिस का डर रहे, जो आम नागरिक ने ਉਹ ਮਤਲਬ ਜੇ ਅੱਗੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵੋਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਫਰਦਰ ਅੱਗੇ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਮਨ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਵਾ ਸਕੀਏ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁਕਤਸਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਮਲੋਟ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅੱਜ ਐਂਟੀ ਸਾਬੋਟਾਈਜ਼ ਟੀਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਐਂਟੀ ਸਾਬੋਟਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਲਵਾਰਿਸ ਵਸਤੂ ਕੋਈ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਨਸਕਾਮੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। नगर निगम बिल्डिंग विभाग की टीम की ओर से बिना मंजूरी बन रहे अग्रवाल ढाबा के निर्माणाधीन बिल्डिंग को सील किया गया है। साथ ही आपको बताते चले कि एटीपी सुखदेव वशिष्ठ ने भी बताया कि निकाय मंत्री बलकार सिंह और निगम कमिश्नर गौतम जैन की ओर से बीते दिनों एक मीटिंग कर बिना मंजूरी बन रहे निर्माण कार्यों पर कार्यवाही के निर्देश दिए गए थे,
जिसके चलते अग्रवाल ढाबे के संचालकों को पहले भी नोटिस दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी निर्माण कार्य जारी रहा, जिसके चलते कूल रोड वाले हिस्से में कार्रवाई करते हुए उसे सील भी किया गया है। अग्रवाल ढाबा कूल रोड से कार्रवाई की गई है। कूल रोड वाली साइड का पोर्शन जिथे उन्होंने कल 1500 स्क्वेयर फुट के तीजी मंजिल से लेंटर पा लिया से उस पोर्शन अज सील कर दिया गया है। एक्चुअली अग्रवाल ढाबे का तीन पोर्शन कमर्शियल नक्शा पास है, हल्का जहा कुछ हिस्सा है जिसका सीएजू भी नहीं होया तो इन्होंने क्लब कर लिया। ये रिगार्डिंग 12 फरवरी को भी इन्होंने काम रुकवाया गया, नोटिस जारी किया गया, पर देर रात कितने इन्होंने काम करते रहे। कल छुट्टी वाले दिन इन्होंने तीजी मंजिल से जरा लैंटर पाया, कूल रोड वाली साइड वाला पोर्शन सील कर दिया गया। खबर अमृतसर से है, जहां पर पंजाबी फिल्म ब्रेकिया 2 की स्टार कास्ट अपनी फिल्म का प्रमोशन करने के लिए गुरु नगरी अमृतसर पहुंची है। इस मौके पर फिल्म स्टार कास्ट ने गुरु नगरी सचखंड श्री हरमिंदर साहिब में माथा भी टेका और अरदास की। फिल्म के अभिनेता देवखुर्द और जबजी खेरा ने भी मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये बहुत अच्छी फिल्म है और परिवार के साथ देखने लायक फिल्म है। ये पाकिस्तान के विभाजन के दौरान की फिल्म को बनाया गया है, जहां विभाजन के बाद में लोग भारत आ गए थे। कर रहे ने सो साड़ी सारी टीम आई है और हमेशा कदे भी चंगे काम की शुरुआत जो असी करते हैं इतों वाहगुरु के दर तो आशीर्वाद लेके ही करते हैं। असी कि दुनिया का कोई भी इंसान है जो अपने किसी काम की अपनी चढ़त ली अरदास करवाउंदा तां इसे दर तो करके जांदा और इसे दर तो सब कुछ मिलता। अज असी जो भी हाँ जिथे भी हाँ जां असी फिल्मां कर रहे हैं सब इस गुरु के दर की बख्शिश है और हमेशा इतने आके रूह नूं सुकून मिलता, शांति मिलती है और सानू ऐ लगता जब तक असी दर ते नहीं आउंदे असी अधूरे हां, साडा काम संपूर्ण नहीं होया। तो वहीं पंजाब में विधानसभा का बजट सत्र भी लगातार जारी है, तो सीधा आपको लेकर चलते हैं पंजाब विधानसभा में। स्पीकर साहब, इस तो पहला कि मैं कुछ बोला, मैं एक गिफ्ट लेके आया थोड़े लिए। शायद भारत की राजनीति दे विच ये पहली बार होगा कि इस तरह का गिफ्ट किसी हैड ऑफ द हाउस वालों हाउस के विच स्पीकर नूं प्रेजेंट किया गया होगा। मैं सेक्रेटरी साहब नूं बेनती करूंगा अपने तक पहुंचाओ। स्पीकर साहब तक पहुंचाओ। प्लीज मैं चाहूंगा कि इन कैमरे चल रहे हैं, पब्लिक के सामने खोल लिया जाए। जी लॉक है जी, चाबियां ताला जिंदरा भी कह देना ताला जिंदा जी जिंदा चाबियां जी चाबियां भी देना तुझे कस्टोडियन हो चाबियां थोड़े को दे। ये कादे वास्ते है जी? मैं गवर्नर एड्रेस से बोलूंगा हूं क्योंकि उस दिन गवर्नर एड्रेस से बोलने नहीं दिता गया गवर्नर नु क्योंकि सच लिखा हुआ सी तो सच ही मैं बोलूंगा। तो मेरे सामने बैठे मेरे विपक्ष के साथियों तो बर्दाश्त नहीं होना है सच, वो फिर की करेंगे सच सुनते सुनते थोड़ी 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 देर बाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद करके ना उधर दी बाहर नूं भजणगे। मैं चाहना है जिंदा अंदर ला दिता जाए, अंदर ला दिता जाए ताकि विपक्ष इत्थे बैठा रहे ते सुने। वो
ਭੱਜੇ ਨਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰ ਦਿਆ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਗਿਫਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲਣਾ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣ ਲਓ ਸੱਚ, ਸੱਚ ਸੁਣਿਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜਿੰਦਾ ਕਦੋਂ ਲਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਫਿਕਰ ਨਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ। ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿੰਦਾ ਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਕੇ ਭੱਜਣਗੇ, ਹੁਣ ਭੱਜਣਗੇ ਹੁਣ। ਮੈਂ ਇਹ ਤਵੱਕੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਪਕਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਣਨ ਲਈ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਨਗੇ। ਮੈਂ ਤਵੱਕੋ ਕਰਾਂ ਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇਵਾਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇ ਦੇਣ, ਇਹਨੇ ਜੀਭ ਤੇ ਲਾ ਦੋ, ਬੋਲਣੀ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਬੋਲਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਬੋਲ ਪਿਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਬੋਲ ਪਿਓ। ਹਾਂ ਤਰੀਕਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਆਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਆਉਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੋਲੋ, ਉਹ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਆਫ ਦਾ ਹਾਊਸ ਨੇ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਜੀ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਭੱਜ ਜੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ, ਬੋਲੋ ਜੀ, ਤੇ ਉਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਤਾਂ ਡੇਢ ਸਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੱਲੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਡੇਢ ਸਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੱਲੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ, ਤੜਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ, ਮੀਟ ਨੂੰ ਤੜਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਦੇ ਉਦੋਂ ਡੇਢ ਸਾਲ 726 ਮਰਵਾਦ ਦੇ, ਕਦੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਵਾਈ, ਕਦੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਵਾਈ 726 ਨੂੰ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕੇਅਰ ਨੂੰ ਅਡਰੈਸ ਕਰਨਗੇ, ਕੇਅਰ ਨੂੰ ਬੈਠੋ ਜੀ, ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੋ, ਬੈਠੋ, ਜਿੰਦਾ ਰਹੋ ਸਰ, ਮਾਰਸ਼ਲ ਇਹ ਭੱਜਣਗੇ, ਇਹ ਭੱਜਣਗੇ, ਹੁਣ ਭੱਜਣਗੇ, ਇਹ ਭੱਜਣਗੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜੋ, ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ, ਬੈਠਾ ਜੀ ਬੈਠੋ 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 ਜੀ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੋ ਜੀ, ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ, ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਿਸਕਟਾਂ ਲਿਓ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਿਸਕਟਾਂ ਲਿਓ। ਚਲੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੈਠੋ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬੋਲ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਹਲੋ ਇੱਧਰ ਵੀ ਲਓ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਲਓ, ਹਾਂਜੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਵੀ ਲਓ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਲਓ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਧਰ ਵੀ ਲਓ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਜਾਂਦਾ। ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣੋ, ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣੋ, ਅਬਲ ਖੁਰਾਣੇ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਪਈਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਣ, ਸਾਰੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਮਾਣਯੋਗ ਵਿਧਾਇਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣ, ਬੈਠੋ 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 ਜੀ, ਬੈਠੋ 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 ਬੈਠੋ, ਨੋ ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ, ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਚੇਅਰ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੱਜਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੱਜਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਚ ਵਿਪਕਸ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੱਜਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਬੈਠੋ, ਫਿਰ ਬੈਠੋ 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 ਬੈਠੋ, ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਸੁਣ ਲਓ,
मंत्री साहब, मैं सारे मानयोग मैंबर साहबान को बेनती करता एक बार अपनी सीटा से बैठन जी, बैठो जी, बैठो 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 जी, बैठो तुम सारे मानयोग मैंबर बैठो। लाल साहब लुट की गल कर रहे हो, सीएम सीएम साहब नहीं 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 अबुल फराने तो लेके सारे साथी सारे बाड़े गलत करते हो ना, लुटे मूहों लुट ऊ चंकी लगती है। पर मुख्यमंत्री साहब मैं करूंगा, मुख्यमंत्री साहब बोल रहे हैं जी, पर बैठो तो सही, पर सुनो, मुख्यमंत्री साहब बोल रहे हैं जी, सुनो मुख्यमंत्री साहब क्या एड्रेस करो जी, मुख्यमंत्री साहब तुम अपनी गल जारी रखो जी। ओ जिंदरा ता लगूगा जे तुम भजे, जे तुम नहीं भजे जिंदरा नहीं लगूगा, बैठो बैठो बैठो। सीएम साहब, सीएम साहब, स्पीकर साहब बताओ, मैं सारे मानयोग मैंबर साहबान को बेनती करता है कि अपनी अपनी सीटा से विराजमान हो, अपनी अपनी सीटा से विराजमान हो, सीटा से बैठो जी, तुम सीटा से बैठो जी, तुम बैठोगे बाजवा साहब प्लीज बैठो। स्पीकर साहब ने हो, स्पीकर साहब ने जिन्हों मर्जी लेने देन, कस्टोडियन ने हो, बाजवा साहब अपनी गल मानते नहीं ना, पहले मुख्यमंत्री साहब लीडर ऑफ दी हाउस ने बोल सकते हैं, मुख्यमंत्री साहब ने अपनी गल पूरी रखने दो, लोकसभा दे थानू पता है कि राज्यपाल का भाषण डिस्टर्ब नहीं करीदा हुंदा, राष्ट्रपति का भाषण डिस्टर्ब नहीं करीदा हुंदा, अज पढ़ूंगा इनू पढ़ूंगा, चलो ऐ करो यही यही डिबेट करनी है, बैठो बैठो, जिथे झूठ होया टोक दो, जिथे झूठ होया टोक दो, हां ठेका लिया रखे तुम भारत की राजनीति का, हां समगलर कहने कहा जा मटीरियल आ गया, चुप कर जाओ, हां मानयोग मुख्यमंत्री साहब, हां बंदे पुत्रां ने तुसी गल करो, हां माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर लैंग्वेज, हां असीं केयर नो एड्रेस कीता जावे, हां थोड़ा हंकार बोल रहा, हंकार बोल रहा, पर अपनियां अपनियां सीटां पर बैठण सारे मानयोग मैंबर साहबां नूं ताकीद कीती जांदी है कि अपनियां अपनियां सीटां पर विराजमान होण, पंजा का नाम भी ला देंगे, मैं दसूंगा सारा कुछ, मैं कर रहा यार, बैठो बैठो, जाना नहीं हुण, जाना नहीं हुण, जाना नहीं, बैठो 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 फिर बैठो। सारे मैंबर सभा को बेनती करता के बैठन गए, सारे मैंबर साहबान बैठ अपनी अपनी सीटा से बैठन गए, सारे मैंबर साहबान अपनी अपनी सीटा से बैठन गए, सारे मैंबर साहबान अपनी अपनी सीटा से बैठन गए, तुसी बैठो सारे मैंबर साहबान बैठन, सारे मैंबर साहबान, सारे मैंबर साहबान बैठन, सारे मैंबर साहबान बैठन, बैठो बैठो। बैठोगे मैं गल दस, मेरी गल सुनो, नहीं गवर्नर का भाषण नहीं सुनने, डेमोक्रेसी है, हम स्पीकर की गल, डेमोक्रेसी है, तुम राष्ट्रपति का गवर्नर का भाषण डिस्टर्ब नहीं कर सकते, चाके आ गया थानू किसानों का हेज आ गया, थानू किसानों का हेज आ गया, उसे किसानों का हेज आ गया, स्पीकर साहब इन्हों की मांग की सी कि पहला किसानों नु शुभ करन नु पहला किसानों नु श्रद्धांजलि दो, सीएम साहब केयर नु एड्रेस करो जी, बैठो जी बैठो बैठो बैठो, चीमा साहब बैठो, चीमा साहब बैठो, सीएम साहब, सीएम साहब केयर नु एड्रेस करो जी, बोलते किमें हो, बाजवा जी केयर नु एड्रेस करो, सीएम साहब केयर नु एड्रेस करनगे, सीएम साहब करो प्रधान जी की करे, आ प्रधान है जो मैं इतने, हंकार है सर, मैं हंकार कहने ने, मैं इतने इतने कोई नहीं रहा, हां गल्ला करते हो गल्ला। फिलहाल इस फोटो में इतना ही, नमस्कार।